friends, welcome to my channel Biology with Agum Singh. Today we are going to discuss a physical method of sterilization, that is Tyndallization. क्या कि Tyndallization होता क्या है, उसका क्या procedure होता है, इन सभी question के ऊपर, इन सभी points के ऊपर हम इस video के अंदर discuss करेंगे. So start करते हैं the process of Tyndallization that is given by John Tyndall. इन्होंने इस process को discover किया था और बताया था कि Tyndallization होता क्या है. So Tyndallization को हम इस diagram के help से समझते हैं तो easy रहेगा समझने के लिए. So सबसे पहले basic चीज़ ये है कि Tyndallization एक ऐसा process है जिसके अंदर spore killing के ऊपर focus किया जाता है. कि bacteria तो हम काफ़ी सारे methods है हमारे पास जिससे bacteria का जो cell है उसको तो denature कर सकते हैं, लेकिन spores are the highly resistant compound which are मेड बाय द बैक्टीरियाज. मतलब स्पोर्स वो होते हैं जो कि हाईली रेजिस्टेंस होते हैं, किसी भी चीज़ से मिटाना बहुत मुश्किल होता है. तो उसके लिए Tyndallization प्रोसेस का इन्वेंशन हुआ था जिसकी वजह से हम स्पोर्स को मार सकते हैं काफ़ी हद तक. सो स्टेरिलाइजेशन का ये मेथड जिसके अंदर स्पोर किलिंग के ऊपर फोकस किया जाता है. सो क्या है ये बेसिक मैथड, इसको स्टेप से समझते हैं कि हम क्या करते हैं. कोई भी हमारा लिक्विड सब्सटेंस है उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट पे स्टार्ट ये जो प्रोसेस है 3 डेज के अंदर कंप्लीट होता है. मतलब 3 दिन लगते हैं इसको कंप्लीट होने के लिए. सो इसमें करते क्या है, बेसिकली कोई भी हमारे पास जो भी लिक्विड सब्सटेंस है जिसको हमको स्टेरिलाइज करना है, स्पोर फ्री करना है. हम यहाँ बैक्टीरिया फ्री नहीं बोलेंगे, कंटामिनेशन फ्री नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे स्पोर फ्री करना है. सो स्पोर फ्री करना है यहाँ से हमको. ओके, स्पोर फ्री हो गया तो मतलब सब कुछ हट गया, बैक्टीरिया तो बचा ही नहीं ऑब्वियसली, स्पोर भी नहीं बचा तो कुछ नहीं, कंटामिनेशन फ्री जो भी हमारा सब्सटेंस है. सो सब्सटेंस को क्या करते हैं, लगभग बॉइलिंग पॉइंट पे उसके बॉइलिंग, जो भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे या फिर बॉइलिंग पॉइंट के आसपास का जो टेम्परेचर होता है उस पर 15 मिनट के लिए उस सब्सटेंस को बॉइल करते हैं. उस बॉइलिंग के बाद 15 मिनट्स की बॉइलिंग के बाद जो भी सब्सटेंस होता है उसको हम फर्स्ट डेज को छोड़ देते हैं विद द मॉइस्ट कंडीशन में छोड़ देते हैं. जिससे क्या होता है, जो यहाँ पे जैसे ये स्पोर्स थे बैक्टीरिया के, काफी स्पोर फॉर्म हो गए थे इसके अंदर, काफी बैक्टीरिया भी थे. इस तरह से मैं दूसरे मार्कर से बनाता हूँ, इस तरह के बैक्टीरिया भी थे. तो ये बैक्टीरिया जो थे वो किल हो चुके हैं इस हीट की वजह से. ये जो बैक्टीरिया थे वो तो किल हो चुके हैं लगभग. अब जो स्पोर बचे कुचे बचे हैं इसमें उसको क्या करेंगे, मॉइस्ट कंडीशन, ये जो लिक्विड है हमारे पास जो भी सब्सटेंस है उसको हम मॉइस्ट कंडीशन के लिए कंडीशन में छोड़ देंगे फॉर द टाइम लैग बिटवीन फर्स्ट डे एंड सेकंड डे. जो फर्स्ट और सेकंड डे के बीच का जो टाइम लैग है उसके ड्यूरेशन में हम इस जो लिक्विड है हमारा जो भी सब्सटेंस है उसको मॉइस्ट कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में छोड़ देंगे. जिससे क्या होगा, ये जो स्पोर्स बचे हुए हैं वो और जर्मिनेट हो जाएंगे. मीन्स क्या होगा, सेकेंड डे में क्या होगा, कुछ ही स्पोर्स बचे, यहाँ पे बहुत सारे थे यहाँ पर कुछ ही स्पोर्स बचे और बाकी स्पोर्स क्या है, बैक्टीरिया के अंदर जर्मिनेट हो गए जो मैंने ब्लैक से बनाया. ठीक है, सो ये ब्लैक वाले क्या है, बैक्टीरिया, और जो रेड वाले स्पोर्स, कुछ स्पोर्स बचे और बाकी सब जर्मिनेट हो गए बैक्टीरिया. वापस हमने क्या किया, 15 मिनट के लिए हीट दी बॉइलिंग पॉइंट तक के लिए, मतलब जो सब्सटेंस था उसको बॉइल कर दिया 15 मिनट के लिए. 15 मिनट के लिए बॉइल करने के बाद क्या हुआ, ये जो बैक्टीरिया था यहाँ का, ये सब जो जर्मिनेट हो गया था इसके फर्स्ट डे और सेकंड डे के बीच में ड्यूरेशन में, वो खत्म हो गया, उसको वो डिस्ट्रॉय हो गया. अब ये बचे कुछ स्पोर्स बचे इनको भी हमें डिस्ट्रॉय करना है. तो क्या होता है, वापस हम सेकंड डे के बाद वापस मॉइस्ट कंडीशन में ग्रोथ के लिए इस कल्चर को रख देते हैं. मतलब हम नॉर्मली इसको मॉइस्ट कंडीशन में रख देते हैं, ऐसी कंडीशन देते हैं जिससे जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट कर जाए बैक्टीरिया के अंदर. सो थर्ड डे में क्या होता है, जितने भी स्पोर्स वो क्या होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, कन्वर्ट हो जाते हैं. फिर हम थर्ड डे में क्या करते हैं, वापस से उसको हीट देते हैं 15 मिनट के लिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. उसके बॉइलिंग पॉइंट पे वापस उसको हीट दी जाती है जिससे क्या होता है, ये सारे बैक्टीरिया जो भी थे वो सारे डीनेचर हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं. और जो हमारा सब्सटेंस होता है, जो भी हमारा लिक्विड सब्सटेंस होता है वो बैक्टीरिया प्रूफ, स्पोर प्रूफ, कंटामिनेशन प्रूफ, सभी तरफ से प्रूफ हो जाता है. पर यहाँ ये तो एक टेक्निक हुई कि जो बेसिक टेक्निक है कि इस तरह से स्पोर्स डीनेचर हुए, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है कि हर लिक्विड को आप इस तरह से बॉइल करके ख़त्म नहीं कर सकते स्पोर्स को, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है. कि कोई डीनेचर, कोई सब्सटेंस ही डीनेचर हो गया तो फिर आप कंटामिनेशन प्रूफ करके क्या करेंगे. सो ये टेक्निक काफ़ी हद तक यूज़ होती है
माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, लेकिन इसके इस डिसएडवांटेज की वजह से कि सारे सब्सटेंस इसको इसको यूज़ नहीं कर सकते, इस प्रोसेस को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए टेक्निक्स ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। बट एक इफेक्टिव टेक्निक है फॉर द स्पोर किलिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टिंडलाइजेशन प्रोसेस, कि इसमें 3 दिन के अंदर किस तरह से हीटिंग करके और किस तरह से स्पोर को जर्मिनेट करा के स्पोर को ख़त्म किया जा रहा है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज सच लाइक दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।